नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई है सर्वदलीय बैठक। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का मंथन। आज पुणे में अमित शाह और नितिन गडकरी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र को उसका करेंगे उद्घाटन। यूनेस्को महानिदेशक आजोले सहित 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा। पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत, 8 घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर। कई जिलों में आज के लिए रेड अलर्ट जारी। दक्षिण भारत में हल्की से मध्यम बारिश के आसार। मुंबई में आज सुबह से झमाझम बारिश। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले पर सुनाएगा फैसला। कोटा मुद्दे पर हिंसा में अब तक 133 लोगों की मौत। कर्फ्यू के दौरान लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार आज विश्वास मत का करेगी सामना। ओली ने चौथी बार सोमवार को ली थी शपथ। महिला एशिया कप क्रिकेट में गत विजेता भारत का सामना यूएई से आज। एक अन्य मुकाबले में पाकिस्तान की नेपाल से होगी भिड़ंत। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के लिए सभी दलों के नेता पहुंच रहे हैं। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी। बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। तो ऐसे में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। यह सर्वदलीय बैठक काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में इस बैठक को लेकर भी तमाम तैयारियां हैं और मंगलवार को आम बजट पेश किया जाएगा। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट है। काफ़ी उम्मीदें इसमें जताई जा रही हैं। तमाम एक्सपर्ट्स इस बात को मान रहे हैं कि यह बजट बहुत खास होने वाला है। तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर अगर बात करें तो तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, जो आम जन हैं, उनके लिए बहुत राहत की बात हो सकती है अब की बार के इस बजट में, क्योंकि इसको लेकर पहले से ही तमाम जो संभावनाएँ हैं वो जताई जा रही हैं। काफ़ी उम्मीदें इस बजट से की जा रही हैं। और आइए महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज बड़ी बैठक करने जा रही है। पुणे में होने वाले महाराष्ट्र भाजपा के राज्य सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की बदली हुई रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5,000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह कल पुणे पहुंच चुके हैं, जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया। अमित शाह आज पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य के वर्तमान समीकरणों को देखते हुए नई रणनीति बनाने पर विचार किया जा सकता है। आज होने वाले एक दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन के दूसरे सत्र की अगुवाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य पर प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। चीरबासा के पास पहाड़ी से गिरी चट्टानों की चपेट में आने से 3 यात्रियों की मौत हो गई और 8 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायलों में एक स्थानीय निवासी भी शामिल है। करीब 6 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही यात्रा मार्ग में तैनात सुरक्षाकर्मी, जिसमें एनडीआरएफ, डीआरवाईएमएफ, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई है।
रेस्क्यू टीम ने मलबे से 3 यात्रियों के शव निकाले हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग में बने अस्थायी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। अन्य यात्रियों की खोज में प्रशासन का सर्च अभियान जारी है। फिलहाल हालात नियंत्रण में है और यात्रा का रूट में थोड़ा सा बदलाव भी किया गया है। और वहीं आज से 31 जुलाई तक दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक का उद्घाटन करेंगे। यूनेस्को की ये 46वीं बैठक है जिसमें विश्व धरोहर समिति में शामिल 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने, 124 मौजूदा विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण स्थिति रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर नीति के उपयोग आदि के प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। भारत पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। देश अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। इस बैठक के माध्यम से भारत को एक बार जहां अपनी विरासत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का अवसर मिलेगा, दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में जुड़े रह, देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी, और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। भारत मंडपम एक बार फिर G20 की तरह जगमगा उठेगा। यहाँ 21 जुलाई से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में यूनेस्को की महानिदेशक मैडम आड्रे अजोले और यूनेस्को विश्व धरोहर सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मंत्री, राजदूत और क्षेत्र विशेषज्ञ जैसे व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विश्व धरोहर स्थलों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। इस सम्मेलन में यूनेस्को की महासभा द्वारा चुने गए 21 सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत अपने वैभव और विरासत के लिए जाना जाता है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 42 हो गई है, जिन्हें सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित विरासत की श्रेणी में रखा गया है। महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, आगरा का ताज महल, पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन और जयपुर शहर आदि कुल मिलाकर 34 सांस्कृतिक धरोहर हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एवं असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान समेत 7 प्राकृतिक धरोहर की श्रेणी में हैं, तथा सिक्किम से कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित विरासत की श्रेणी में है। अपनी धरोहर और संस्कृति के प्रति प्रधानमंत्री की सजगता का एक बड़ा उदाहरण ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में 12 स्थलों को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। सम्मेलन के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्रदर्शनी भी लगेगी। इनमें मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प उत्पादकों की प्रदर्शनी, UPI वन वर्ल्ड, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन परंपरा पर एक प्रदर्शनी शामिल है। साथ ही सर्वे संतु निरामया के संदेश के साथ अतिथि योग और ध्यान भी करेंगे। इस मेजबानी से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सांस्कृतिक महत्व को भी बल मिलेगा। यूनेस्को के इस सम्मेलन का आयोजन भारत की धरोहर और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जिससे भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। ये आयोजन भारत के लिए गौरव का विषय है और देश की धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DD न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट।
और आइए आगे बढ़ते हैं और असम की बात करते हैं। दरअसल असम से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ बाढ़ के कारण जमीन के कटाव के बुरे असर को पलटने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और कहा है कि बोगी बिल पुल बनने के बाद यहाँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम एरिए में नदी के किनारे यानी तट स्थिर हो गए हैं। इस कारण यहाँ की 80,000 बीघा जमीन को फिर से हासिल कर लिया है। इस जमीन का इस्तेमाल अब खेती किसानी के लिए किया जा सकेगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का आर्थिक तौर पर काफी फायदा होगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास गाजियाबाद और मुरादाबाद सेक्शन के बीच 20 जून को एक मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद ट्रेनों की आवाजाही को फिर से शुरू करने के लिए मरम्मत का काम चल रहा है। मुरादाबाद मंडल के रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने बताया कि हम दोनों लाइनों पर एक साथ काम कर रहे हैं। हम ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने के लिए सबसे पहले डाउन लाइन को ठीक करेंगे और इसमें 2 घंटे तक का समय लगेगा और फिर हम अप लाइन को ठीक करेंगे और इसमें 6 से 8 घंटे लगेंगे। अभी हम लोग दोनों लाइन के साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पहले डाउन लाइन को फिट करेंगे, उस पर ट्रेन संचालन शुरू होगा, उसके बाद अप लाइन को फिट करेंगे। डाउन लाइन पे हमें लग रहा है अभी से करीब लगभग 2 घंटे और अप लाइन पे करीब 6 से 8 घंटे और लगने का अनुमान है। और वहीं मणिपुर पुलिस ने राज्य के विभिन्न जिलों के संवेदनशील और दुर्गम इलाकों में सघन छापामारी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान कानून की अलग अलग धाराओं के उल्लंघन के कारण 296 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर 227 और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 264 वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित की गई है। वाहनों की स्वतंत्र और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को व्यापक पैमाने पर तैनात किया गया है। मणिपुर के विभिन्न जिलों में पहाड़ी और घाटी दोनों में 116 नाके और जांच चौकियां स्थापित की गई हैं। केरल की बात करें तो केरल में निपाह वायरस का 5वां मामला सामने आया है। मलपुरम में 14 साल के एक बच्चे में निपाह वायरस की पुष्टि हुई है। राज्य में वायरस के संभावित प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने शनिवार को मलप्पुरम जिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें निपाह वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई। वीना जॉर्ज ने कहा कि राज्य इस मुद्दे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि 214 लोग प्राथमिक संपर्क सूची में हैं, जबकि 60 हाई रिस्क वाले हैं। संपर्क सूची में शामिल सभी लोगों को आइसोलेट किया जा चुका है और मलपुरम में निपाह वायरस की पुष्टि होने के बाद रोकथाम के उपाय तेज कर दिए गए हैं। इन सबके बीच वायरस पर काबू के लिए सरकारी आदेश के तहत गठित SOP के आधार पर 25 समितियों का गठन किया गया है और संपर्क ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज समेत तमाम सरकारी अस्पतालों में आवश्यक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था भी की गई है। और वहीं आज से अयोध्या धाम में स्थित श्री राम मंदिर परिसर में पुजारी के स्मार्टफोन के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब रामलला के श्रृंगार से लेकर भगवान की सेवा और राग भोग में शामिल रहने वाले पुजारी और अर्चक स्मार्टफोन लेकर रामलला के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। पुजारी और सहायक पुजारी को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कीपैड मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं, भगवान की सेवा राग भोग और पूजा को लेकर बकायदा एक सहायक पुजारी के साथ 5 अर्चकों की तैनाती भी कर दी गई है, जो रामलला की राग भोग सेवा और उपासना में दिए पहर पर उपलब्ध रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट काफी दिनों से रामलला की सेवा को लेकर नियुक्त पुजारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अर्चकों को नियुक्त करने के प्रयास में है। इसी कड़ी में 20 नए अर्चक जिन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के नेतृत्व में पूजन अर्चन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनको तैनात किया गया है। ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया है मंदिर में, कोई भी फोन नहीं जाएगा जो इंटरनेट कनेक्शन वाले हैं।
तो अब उनको जब मना कर दिया गया है तो बटन वाले फोन सबको दिए गए हैं जिससे कि सिर्फ बात कर सकें, कॉल स्वीकार करें, कॉल कर सकें। तो बटन वाले फोन दिए गए क्योंकि अभी ये जब प्रतिबंध लगा दिया गया तो था कि वो फोन हमारे पास नहीं है, तो ट्रस्ट ने उनको प्रोवाइड कर दिए, उनको ट्रस्ट दे दिए, सभी पुजारियों को मिलेगा वो। और हो सकता है कुछ दिनों में जो और भी लोग हैं सभी के ऊपर रोक लग जाए कि अंदर जाएंगे तो बटन का ही मोबाइल लेके जाएंगे, इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं लेके जाएंगे। महाराष्ट्र में मॉनसून की बारिश कहीं खुशी लेकर आई है तो कहीं आफत बन गई है। राजधानी मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश देखने को मिल रही है जिसके चलते माया नगरी थमसी गई है। आज भी सुबह से मुंबई में बारिश हो रही है। ये बात अलग है कि आज रविवार को छुट्टी है इसलिए दफ्तर जाने वालों की भीड़ रोज के मुकाबले कम है और सड़कों पर भीड़ भी कुछ कम है। मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही बारिश देखने को मिल सकती है। और आइए अब देखते हैं बजट से जुड़ी हुई तमाम अहम खबरें। आने वाले बजट को लेकर ब्रह्म रिसर्च फाउंडेशन के विजय पाजे को क्या उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं। जो मध्यम और लघु उद्योग का क्षेत्र है जिससे हम MSME कहते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज 14 मिलियन से ज़्यादा, 140 लाख से भी ज़्यादा MSMEs है और 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उस पर डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जो भारत के एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 50% और नेशनल इकोनॉमी का 1/3 इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करता है। ये ध्यान में रखते हुए उनको जो आज मेन प्रॉब्लम है वो वर्किंग कैपिटल जिसे हम कहते हैं उसका है। छोटे लघु उद्योग के लिए 45 दिन में पैसा नहीं आया तो मुश्किल हो जाती, तो वह वर्किंग कैपिटल ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके बारे में कुछ ठोस उपाय योजना होनी चाहिए। और वहीं NIRC के सदस्य डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता ने उम्मीद जताई कि आने वाले बजट में क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत MSME को फायदा पहुंचाया जा सकता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एम्प्लॉयमेंट एंड GDP। वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द बजट टू अनाउंस इनहेंस क्रेडिट एक्सेस स्पेशली बाय द क्रेडिट गारंटी स्कीम विद लोअर इंटरेस्ट, ईज ऑफ कंप्लायंस फॉर इंप्रूविंग द MSME सेक्टर एंड आल्सो एक्सपेक्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनिंग सेशन फॉर द MSMEs फॉर इंप्रूविंग देयर स्किल्स। और ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए मोदी सरकार का पूरा फोकस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर रहा है। पिछले कई बजट में इसके लिए आवंटित की गई राशि में भी इजाफा किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार वित्त मंत्री बजट में इसके लिए क्या सौगात देती हैं। ऊर्जा सेक्टर पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट जल्द ही आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी। अगर वित्त मंत्री द्वारा फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट पर नजर डाली जाए तो साफ देखा जा सकता है कि सरकार 2070 नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट में नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं के लिए 12,491 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले बजट से 63% अधिक है। भारत के 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ सरकार का झुकाव नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की ओर है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट की प्रमुख घोषणाओं में प्रधानमंत्री रूफटॉप सोलर योजना को शामिल किया गया,
जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। इसके लिए सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की घोषणा की, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। इसी तरह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय आवंटन पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया। नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की गई, जिसमें वायबिलिटी गैप फंड और जैव ईंधन संग्रह के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता राशि शामिल थी। सनराइज प्रौद्योगिकी में निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1,00,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। किसी भी तरह के इंसेंटिव्स या कोई डेडिकेटेड फंड्स या लो इंटरेस्ट स्कीम्स जो हैं, वो इस एरिया में को बहुत आगे ले जाने में सक्षम होंगी और ये जो गवर्नमेंट का विजन है उसको साकार करने में मदद करेंगी। आने वाले बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देगी, जिससे भारत को दुनिया की सबसे हरित देशों की श्रेणी में आने में मदद मिलेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने की एक पहल सामने आई है। दिल्ली में द रीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और इस पाठक समागम का G20 शेरपा और लेखक अमिताभ कांत ने उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में माटी ट्रस्ट द्वारा एक अनूठी और उपयोगी पहल की गई। जी हां, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माटी द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से द रीडर्स कॉन्क्लेव यानी पाठक समागम का पहला संस्करण आयोजित किया गया। शनिवार को समागम के उद्घाटन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे G20 शेरपा और लेखक अमिताभ कांत ने कहा कि पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है। ये आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करती है। पुस्तकों का संदेश सरल होता है, ज्ञान और समृद्धि का संदेश होता है। यह आपकी सोच को प्रफुल्लित करने और आपके अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में बहुत मदद करता है और हमें इस मानसिक और आध्यात्मिक संवाद में बने रहना चाहिए और अपने पढ़ने के अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। तो किताबों ने लोगों को हमेशा इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है, इमेजिन करवाया है और बदलाव लाया है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रसिद्ध पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि किताबों की अहमियत कभी कम नहीं होगी। उन्होंने ये चुनने की आवश्यकता पर जोर दिया कि क्या पढ़ना है। माटी की जो बौद्धिक शक्ति है अपार है। माटी तो एक सिंबल है और माटी की जो बौद्धिक क्षमता है वह सचमुच उसका कोई था नहीं पाया जा सकता, वो अपार है। माटी के संयोजक और कॉन्क्लेव के क्यूरेटर आसिफ आजमी ने कहा कि पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा हम पाठकों को मूल स्रोत की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। माटी एक पेड़ बन गया है इन 7 सालों में। इसके बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारी डालें, मजबूत तने भी हैं और कुछ नए नवेले भी। इस 2 दिवसीय पाठक समागम में कारपोरेट प्रबंधन, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, इतिहास, आध्यात्मिकता से लेकर कथा साहित्य, बाल कथा और कविता तक लगभग सभी विधाओं की पुस्तकों को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व IAS प्रकाश सिंह, राम बहादुर राय, जयशंकर गुप्ता, जितेंद्र श्रीवास्तव, HA कुरैशी, सूर्यनाथ सिंह, रणविजय, चंद्रभूषण और रुचि सिंह जैसे लेखकों की किताबों पर चर्चा होगी। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर से 3,113 यात्रियों का एक और जत्था यात्रा के लिए रवाना हुआ। अब तक पिछले 22 दिनों में 3,86,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की है। आज सुबह कल शनिवार को
11,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट आज सिविल सेवा नौकरी में कोटा खत्म करने के मामले में अपना फैसला सुनाने वाला है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भड़कने के कुछ दिन बाद कल पुलिस ने पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लागू कर दिया और सैन्य बलों ने राष्ट्रीय राजधानी ढाका के विभिन्न हिस्सों में गश्त की। पुलिस को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंसा से अब तक कम से कम 133 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में अशांति के बीच विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले कई भारतीय, नेपाली और भूटानी छात्रों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने इन छात्रों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए आईसीपी पेट्रापोल, एलसीएस गेडे, घोजा डांगा और महादीपुर में विशेष सहायता डेस्क स्थापित किए हैं। अब तक बीएसएफ ने 572 भारतीय छात्रों, 133 नेपाली छात्रों और 4 भूटानी छात्रों की वापसी में सफलतापूर्वक सहायता की है। वहीं बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के प्रवक्ता एके डीआईजी आर्य ने पुष्टि की है कि बीएसएफ बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के साथ लगातार संपर्क में है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।